देखो नारद बातुनी आए। अरे प्रभु, अब ये उबासियाँ लेना बंद कीजिए। प्रभु नारायण आपको कितनी बार बुला चुके और न जाने आज आपको इतनी नींद क्यों आ रही है। ये सब देवराज इंद्र का किया धरा है। इंद्र का? कल उन्होंने अपने दरबार में नारद को ढेर सारी मिठाइयाँ खिलवाई मेरे हाथों से, इसलिए नींद में इनका ये हाल है। नारद प्रभु बातें जागिए और ध्यान से हमारी बात सुनिए। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और हमारा ये समाचार उन्हें दीजिए। संसार के नियमन हेतु सभी देवताओं को नई उपाधि प्रदान करें। उपाधि? कौन सी उपाधि? वो ब्रह्मदेव जानते हैं। आप मात्र हमारा प्रणाम कहकर हमारा ये समाचार उन तक पहुंचा दें। नारद। कौन है? पिताश्री प्रणाम। अरे प्रणाम उधर नहीं पुत्र, इधर। बहुत निंदा रही। हमार सीधे खड़े रहो। हाँ पिता, पिताश्री प्रणाम। प्रणाम। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था नारद। मैं भी आपको ढूंढ रहा था पिताश्री। हाँ परंतु पिताश्री मैं क्या कह रहा था। नारद बस 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 बस, अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनो। अपने दिमाग को अधिक कष्ट न पहुंचाओ। देखो यहाँ से सीधे कैलाश जाओ भोलेनाथ के पास। हाँ। क्या कर रहे हो, ठीक से खड़े हो? और उनसे कहना कि सभी देवताओं को इंद्रलोक में आकर समाज के उद्धार हेतु सोचना है, कार्य करना है। और हाँ भोलेनाथ से कहना कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जाओ सीधे खड़े रहो पुत्र। पिताश्री अब हम चलते हैं। परंतु मेरी बात। कोई किंतु परंतु नहीं, अब हम चलते हैं। पिताश्री क्या समाचार था? सभी देवताओं को इंद्रलोक में आके समाज के उद्धार के लिए समाधि लेनी है। हाँ यही था समाचार। आना कहाँ है कैलाश? कैलाश किधर है? क्या ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा? विचित्र बात है। हाँ प्रभु बहुत विचित्र बात है। मुझे तो लगता है पिताश्री की आयु हो गई है। और ना ऐसी बातें कौन बोलता है कि सभी देवताओं को समाज के उद्धार के लिए इंद्रलोक में आके समाधि लेनी होगी। समाधि? किंतु भोलेनाथ जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो फिर किसी भी वजह का कोई भी प्रश्न कहाँ उठता है। किंतु हाँ मैंने ये अवश्य कहा था कि हम सभी देवताओं को इंद्रलोक में आकर हर लोक का उद्धार करना है। अब परंतु आपका पुत्र नारद। परंतु परंतु नहीं, नई नई नीतियों का निर्माण करना है भोलेनाथ। परंतु आपके पुत्र नारद का कहना है कि संभवतः आपकी आयु हो गई, इसी कारण कदाचित। परंतु मैंने कह दिया कि यदि आपने ऐसा कहा है तो अवश्य ही इसका कोई कारण होगा। क्या ऐसा कहा नारद ने? जी हाँ। कहा है नारद? मैं करता हूँ उसकी नींद पूरी। नारद 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 प्रभु आप यहाँ भी? अरे अब आप मुझे सपने में भी दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा सपना। चुप करो नारद, ये कोई स्वप्न नहीं है तुम्हारा, बल्कि एक सच्चाई है। अपनी आंखें खोलो। आंखें खुल ली है, बोलो। नारद सभी देवता इंद्रलोक आकर समाज के उद्धार के लिए समाधि ले लें, ये बोलने के लिए किसने कहा था आपको? पिताश्री। मैंने? क्या? नहीं। हाँ प्रभु 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 नारायण आप ही ने तो कहा था कि मैं पिताश्री से जाके कहूँ कि संसार के नियमन हेतु सभी देवगण समाधि ले लें। मैंने? हाँ नहीं नहीं
प्रभु आप तो श्राप ना दें। नारद ये क्या कह रहे हो? नारद मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकता हूं? हाँ मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा था जिससे तुम्हें सब याद आ जाए। अब बताओ। प्रभु मैंने तो ब्रह्मदेव को आपका समाचार दिया ही नहीं। नारद उपस्थित हो, उपस्थित हो। सब डरा क्यों रहे हो? भूल हो गई मुझसे, परंतु अब संकट तो टल गया ना। प्रभु आपके परम भक्त से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? भूल तो होती ही है होने के लिए नारद, लेकिन भूल को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए अच्छा है। और नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें पुरुष तो क्या महापुरुष भी अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। चलो अंत भला तो सब भला। देखो नारद बातुनी आए।